रावत्ती बनाने के लिए सर्वप्रथम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से बाबा के निर्मल्य को हम वहाँ से लाते हैं और यहाँ आके अनलोड करा करके फिर महिलाओं द्वारा सॉर्टिंग कराते हैं। सॉर्टिंग कराने के बाद उसको जो है धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने के बाद जो है
ग्राइंडर मशीन में पीस करके और फिर जिगर चारकोल, बाबा का निर्मल्य, डामर बत्तू और ये सारे चीज़ों को लेकर के एक प्रीमिक्स तैयार किया जाता है। प्रीमिक्स तैयार करने के बाद जो है डो बनाते हैं। डो बनाने के बाद गाड़ी पे लोड करके गांव में ये स्टिक और मसाले के साथ जाता है, जो महिलाएं वहां से उठा करके ले जाती हैं। और अगरबत्ती बनाने के बाद जो है सार्टिंग बंडलिंग करके एक गत्ते में पैक कर देती हैं। हमारा सुपरवाइज़र जाके उसको डेली बेसिस पे चेक करता है और डेली बेसिस पे चेक करने के बाद जो है वहाँ से माल को लिफ्ट किया जाता है, वहाँ से माल को उठाया जाता है, वो कलेक्शन करके और ले आता है यहाँ पे। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन हजारों शिव भक्त दर्शन करने आते हैं और प्रतिदिन करीब
एक टन फूल बाबा विश्वनाथ को चढ़ता है। आईटीसी के मंगलदीप अगरबत्ती ब्रांड और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने इन बाबा विश्वनाथ को चढ़े हुए फूलों के द्वारा हम लोग अगरबत्ती बनाने का एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें बाबा विश्वनाथ को जो कमल और धतूरा जो फूल चढ़ता है उन फूलों से हम लोग इन अगरबत्तियों को बना रहे हैं। और इसमें एक और ख़ास बात है कि अगरबत्ती हमारे ग्रामीण अंचलों में रहने वाली महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाया जा रहा है। और जो भी पैकेट जो मंगलदीप टेम्पल ब्रांड से मार्केट में आएगा उसमें हर पैकेट की बिक्री पर एक अंश मंदिर को प्राप्त होगा और इसका लाभ हमारे महिलाओं को भी उनकी आमदनी बढ़ाने में मिलेगा। आने वाले समय में आईटीसी के ग्रीन टेम्पल इनिशिएटिव के तहत हम लोग और जो बचे हुए फूल हैं उसके कंपोस्ट और अन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट भी बनाने का हम लोग कार्य करेंगे और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल और आईटीसी एक लंबी पार्टनरशिप हम लोग करने का हम लोग ने मन बनाया है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास और आईटीसी के सौजन्य से सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ जी पर चढ़ाए जाने वाले निर्माल्य के माध्यम से ये मंगलदीप टेम्पल अगरबत्ती बनाई जा रही है। ये अगरबत्ती दो रंग की है और बाबा की पसंदीदा सुगंध कमल और धतूला जैसा आप देख सकते हैं उसके माध्यम से ये अगरबत्ती बनाई जा रही है। और इस अगरबत्ती को एक विशेष पैकेजिंग के अंतर्गत रखा गया है जिसमें एक स्टैंड भी है और ताकि जो इस अगरबत्ती से भस्म निकले वो श्रद्धालुजन व्यर्थ ना हो, अपने ऊपर उसको लगाकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और इसमें एक विशेष बात यह भी है कि ये अगरबत्ती जो है ये प्रेम पूर्वक जो श्रद्धालु यहाँ चढ़ाते हैं फूल और माला बाबा को उसको इकट्ठा करके और गांव की चंदौली के रूरल एरिया में गांव की महिलाओं द्वारा ये अगरबत्ती बनाई जा रही है। और इस अगरबत्ती को बनाने के लिए आईटीसी द्वारा मुफ्त गाँव की महिलाओं को मशीनें दी गई हैं जिससे उनको ना केवल एक रोजगार का अवसर मिल रहा है तथा वो हमारी जो इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम है उससे जुड़ रही हैं, साथ ही साथ वो इससे अपना बाबा के प्रति श्रद्धा भी व्यक्त कर पा रही हैं। और इस प्रकार से जो बाबा का निर्माल्य यहाँ निकल रहा है उसका पूरी तरीके से सदुपयोग हो रहा है। और साथ ही शीघ्र ही आईटीसी ग्रीन एक इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से ऐसा निर्माल्य जिसका प्रयोग हम अगरबत्ती आदि बनाने में नहीं कर पाएंगे उसकी कंपोस्टिंग की जाएगी और जिसके द्वारा हम एक ऑर्गेनिक खाद बनाएंगे जो श्रद्धालुगण अपने खेत में अपने स्थान पर जहाँ किचन गार्डन में उसका प्रयोग करके फल फूल और सब्जियाँ उत्पन्न कर पाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर पर अर्पित पुष्पों के निर्माल्य से जनपद चंदौली की महिलाओं के द्वारा अगरबत्तियों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें आईटीसी के ई चौपाल नेटवर्क और ज़िला प्रशासन के सहयोग से उन दोनों के कोलैबोरेशन से जो यहाँ की महिलाएं हैं जो लो इनकम ग्रुप्स को बिलोंग करती हैं उन सभी महिलाओं के लिए एक नए आय का स्रोत भी इससे उत्पन्न हो गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के जो निर्माल्य का प्रयोग सबसे पहले उसको ड्राई कर किया जाता है, उसे पहले सुखाया जाता है, उसको एक पाउडर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। वो पाउडर्ड जो हमारा रॉ मटेरियल है उसे हमारे ज़िले की जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या अन्य महिलाएं हैं जो बैकवर्ड इलाके में या लो इनकम ग्रुप्स को बिलोंग करती हैं उन्हें उसको दिया जाता है। और वो इस प्रकार से अगरबत्तियों का निर्माण इन निर्माल्य से ड्राइड जो रॉ मटेरियल है उसके प्रयोग से इन अगरबत्तियों का निर्माण ये सभी महिलाएं करती हैं। जनपद चंदौली एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि एक अति महत्वाकांक्षी ज़िला है। और नीति आयोग के जो इंडिकेटर्स हैं, जो स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स हैं या शिक्षा के इंडिकेटर्स हैं या इनकम से संबंधित इंडिकेटर्स हैं, उन सभी इंडिकेटर्स पर पीछे होने के कारण चंदौली को एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में चयनित किया गया है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों की आय इम्प्रूव करने के लिए जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए नवीन प्रयोग किए जाने आवश्यक हैं। और इसी संबंध में काशी विश्वनाथ टेम्पल के साथ आईटीसी ई चौपाल नेटवर्क और ज़िला प्रशासन ने कोलैबोरेट करके एक नवीन प्रयोग किया और जनपद चंदौली की जो महिलाएं हैं जो लो इनकम ग्रुप्स को बिलोंग करती हैं, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ हैं, उन्हें एक कार्य दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर के जो पुष्पों जो निर्माल्य हैं उनके द्वारा जो महिलाएं हैं उनके द्वारा अगरबत्ती का निर्माण किया जाता है और इन अगरबत्तियों को का निर्माण करने से उनकी आय में एक काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। लगभग प्रत्येक दिन 5 से 10 किलो अगरबत्ती का निर्माण महिलाएं जो हैं
जनपद चंदौली की वो कर रही हैं और इससे उनकी आय में एक वृद्धि हुई है, जिसका प्रयोग वो अपने दैनिक प्रयोग की जो वस्तुएं हैं उनका क्रय करने में भी कर सकती हैं। एक पॉकेट मनी के रूप में भी उनके पास वो एक आय रहती है, जिससे उनकी सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दोनों ही हुई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते और इन जो ग्रुप्स हैं महिलाओं के ग्रुप्स को एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देने के लेवल पर आईटीसी के द्वारा और ज़िला प्रशासन के द्वारा जो कोलैबोरेटिव ये मूवमेंट और ये इम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट चंदौली में किया गया है, उसका बड़ा अच्छा असर देखने को मिल रहा है। तो इस अगरबत्ती का निर्माण जो महिलाओं के द्वारा, इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, इसका प्रयोग मार्केट में आईटीसी मंगलदीप अगरबत्ती के रूप में किया जाएगा और निश्चय ही आने वाले समय में और भी महिलाएं इससे जुड़ती चली जाएंगी और काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाओं के आर्थिक रूप से उन्नति का ये एक साधन बनेगा।